आज हम संभावना को सरप्राइज दे देते हैं। आज आप कुछ बना दो खाने में बढ़िया सा। अरे इस मुश्किल घड़ी में आपके पति भी साथ छोड़ के भाग गए हैं, क्या हुआ? अरे आपकी वाइफ यहाँ समस्याओं से जूझ रही है, आप एक बार पूछने भी नहीं आए। टमाटर नहीं डाला क्या इसमें? नमक कम डाल सकते हैं क्योंकि एक तो अरहर की दाल है ना। अरहर की नहीं है, मसूर है। सब एक से एक, बनाने वाले को पता नहीं क्या बना रहे हैं, खाने वाले को पता नहीं क्या खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हो चुकी है, सब लोग उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये लड़की तैयार हो चुकी है जिम के लिए, दुबे जी आ चुके हैं वॉक करके। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को। अच्छा पापा को मैंने बोला कि कल से आप भी गार्डन में स्क्रिप्ट लेके जाओगे। पापा को ये समझा जा रहा है कि पापा यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं। हैंडसम है, एक्टर है, लेकिन लग रहा है बहुत टाइम से काम मिला नहीं, मिला नहीं है। स्ट्रगल करते करते उम्र हो गई है तो इनको काम देते हैं लोग। स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चप्पल साफ करिए जो उसमें काली और बढ़ गई है साफ करने वाली। दिखाना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ। एक बार लगा लूँ बक्कल, लगा लूँ पापा। ऐसे ही मैं जब आई थी ना बॉम्बे, तो मैं भी ऐसे ही स्ट्रगल करती थी। ये तो करती थी, मैं तो अभी भी ऐसे ही कर रहा हूँ। जो पहले से कर रहा है उसको काम दे नहीं रहे हैं, जो 20 दिन से आया उसको काम देंगे। देखो स्ट्रगल तो ना टिल लास्ट ब्रीथ होता है, जिंदगी है और स्ट्रगल है हमेशा ही। हर कोई तो स्ट्रगल ही कर रहा है अपने अपने फील्ड में। हाँ, जहाँ है उससे ऊपर जाने का स्ट्रगल, जो ऊपर है वो उसका उससे ऊपर जाने का स्ट्रगल, और जो कुछ भी नहीं कर रहा वो सोच सोच के परेशान हो रहा है। स्ट्रगल। तो जी संभावना चली गई जिम और मम्मी पापा के लिए बढ़िया सा जो है वड़ा पाव, समोसा पाव और कुछ बारिश के पकौड़े मंगा लिए। हालांकि बारिश हो नहीं रही है फिर भी ये रहा पूरा सामान। इसके साथ आइए गर्मा गर्म मसाला चाय। अरे पापा तो टेंशन में लग रहे हैं। ये दो तरह का है ना, एक वड़ा पाव है एक समोसा पाव है। मिर्ची आपके लिए मंगाइए, मिर्ची पड़ 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 मिर्ची खाओ। अच्छा अम्मी सुनो ना, मैं क्या सोच रहा हूँ, आज ना संभावना गई है जिम, आज हम संभावना को सरप्राइज दे देते हैं। आज आप कुछ बना दो खाने में बढ़िया सा, आपकी फेवरेट डिश, और वो आएगी तो उसको एकदम सरप्राइज दे देंगे। चटनी तो फेवरेट चटनी आपका आपका क्या है, क्या बना सकती हूँ? दाल भात चोखा। दाल भात चोखा रोटी खाएंगे नहीं, और अभी बना भी नहीं किसी ने। दाल भात चोखा नहीं बना अभी तक, बस तो फिर ठीक है। तो फिर जी आज जो है बहू रानी को सरप्राइज दिया जाएगा दाल भात चोखा से। जिम से आते ही चोखा ठुसा दिया जाएगा मुँह में, सारी जो बॉडी नहीं है वो उतर जाएगी। नहीं नहीं, थोड़ा सा उतर आलू बोला है खाने को, ले रात को खाती है। अच्छा तो डाइट पे खा लेगी ना, डाइट चावल वोल खा रही है, थोड़ा सा दोपहर में खा रही रात को। हाँ तो ठीक है, ये सही टाइम है। अपना एकदम बिहारी स्टाइल सरसों के तेल में, यूपी स्टाइल। तो जी मम्मी ने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है, और दाल में आलू, आलू क्यों डाले हुए हैं? उबालूंगी, भरता बनाऊंगी तो इसी में उबल जाएगा आलू। हाँ, एक साथ 2 in 1। अरे वाह दिमागदार। टोटल कितना टाइम लगेगा अभी? तो आधे घंटे में आ जाएगी अभी, हो जाएगा, तब तक हो जाएगा। ये डल गया दाल में पानी, इसके आलू के डालने से इसमें दाल में आलू का भी टेस्ट आएगा। बहुत अच्छा, दाल में नहीं आलू में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा भरता बनाने पर थोड़ी सी लाल मिर्ची। अरे पास संजीव कपूर की फैन, हल्दी नमक। अरे अरे टेंशन में क्यों हो भाई, पहली बार रसोई में आई ना, बहु बना बना खिलाई है, आज मैं चोरी से बना रही हूँ, अभी आने वाली है और मैं घबरा रही हूँ, जल्दी बन जाए नहीं आ जाएंगी। कौन सा अमिताभ वाले पे रख दूँ? अरे ये तो काफी टेंशन लग रही है, किचन नहीं रहता ना तो कंफ्यूज रहती हूँ। देखना उंगली ना काट लेना, बहुत जल्दी जल्दी छील रही हो टेंशन में। बहू के आने से पहले तैयार करना है ना। तो आंटी मैं छील देती हूँ, कैसा चाकू को ली है जो काटता? चाकू मेरे पता। तो मम्मी को बता देना कौन सा चाकू काटता है। चाकू तो बहुत है। हाँ ये ठीक है, वो आएगी ना संभावना तो उसको नहीं नहीं भागना नहीं है। आप भाग जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? समझ जाएंगे ना, वो मैं हट जाऊंगी फिर वो अपने कमरे में चली। तो नहीं तो फिर वो बनाने आ गई खाना तो जल्दी जल्दी से नहीं जाते। दांत क्यों पीस रही हो साथी के साथ? है आदत है, जैसे जैसे वो कट रहा है ऐसे वैसे दांत भी पीस रहा है। एक दांत बाहर आ गया गिर के, पीसते पीसते आदमी ने चला जाए। दिमाग तो बहुत लगा रही हो आप कि दाल में आलू उबल जाए, इसी प्याज में चोखा भी बन जाए, इसीलिए फटाफट होगा ना। स्पेशल अगर आलू उबालते तो गैस डबल लगता ना, एक बार दाल के लिए एक बार आलू के लिए, और उसी में आलू डाल दी तो टेस्ट भी होगा, गैस कम लगेगी। एक पंथ दो काज हो गया। चलो अपना फेवरेट मर्चा काटो। अब बहुत खतरनाक खेल खेलती हूँ सब्जी काटते हुए। ऐसे ही मैं काटती हूँ, मेरे को ऐसे ही आदत है ना, इस पटरे पे नहीं काटती मैं। चॉपिंग बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड क्या बोलते हैं? ये देखो इधर आए टेस्ट करने के लिए शेफ, बगाड़ने जा रही है। अरे बहुत जोर जोर से काट रही है प्याज और मिर्ची, अपनी उंगली ना काट ले। तूफान में लाते ही किचन में घुसेंगी। वो तो अब तक बना के खिला भी दिया। हाँ थोड़ी धीमी हूँ मैं। तो क्या हुआ? क्योंकि उम्र हो गई ना। अच्छा तो ये बनने के बाद तड़का लगेगा, ये सीटी निकलने के बाद इसमें से आलू निकाल लोगी और दाल का तड़का लगा दोगी और आलू को कचूमर बना दोगी। एक तो छौंक के भी आलू
जैसे प्याज वाज भून के टमाटर भून के और उसमें आलू मैश कर देते हैं। अच्छा, आइए कैसे निकाल के और ऐसे ही मैश करके कच्चा प्याज हरी मिर्च मतलब एकदम देसी चोखा। हाँ, देसी चोखा। तो मैं सोच रही मैं देसी बनाऊँ की विदेशी बनाऊँ। आप देसी बनाओ, जो आपका स्टाइल है वो बनाओ ना। निकल गई सिटी। उसको बोल देता हूँ कि घूमते फिरते हुए आए। हाँ, कॉफी पीती क्या होगा। हाँ, वर्कआउट हो गया। बस होने वाला है और 10 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आराम से आओ अपना कॉफी वॉफी पीते हुए। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को, थोड़ा घूमते फिरते आओ। कॉफी वॉफी पियो, मजे करो, आओ उसके बाद आराम से थोड़ा सा 12:30 1 तक आओ। ऐसे ही यार, तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, एंजॉय करो थोड़ा। ये तो लग रहा है कि तुम एंजॉय करना चाह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है ठीक है, ओके। मम्मी सक हो गया, अब क्या, चलो अभी 10 मिनट उसको एक्सरसाइज में है, उसके, हो जाएगा, उसके बाद 10 मिनट वहाँ भी लगाएगी वो, और फिर 20 मिनट आने में, आधे घंटे में हो जाएगा ना। तेल डाल दिया तड़का के लिए, डाल दिया। अरे ये तो बहुत ज्यादा जो है 2-4 इमोशन का मिश्रण हो गया है, काफी नाप तोल के बन रहा है। कुछ नहीं आता मुझे। क्यों, इतने साल से ऐसे ही खिला पिला के हमको बड़ा कर दिया बिना आए ही। अरे तो वही सिंपल खाना ही बनाती हूँ। तो मम्मियाँ सिंपल ही बनाती हैं। तो भाई मम्मी ने क्या डिसाइड किया है कि जो तड़का है ये कुकर के अंदर जाएगा, जिसमें ऑलरेडी आलू भी हैं, तो तड़के का टेस्ट आलू में भी आ जाएगा, फिर वो आलू बाहर निकलेंगे और फिर उन आलुओं का बनेगा यहाँ कचूमर और बनेगा चोखा। अरे वाह, दिमाग तो लगाइए मम्मी, आलू के अंदर टेस्ट घुसा रही हो, अंदर तक गड़बड़ हो गया क्या जी? सूख गया जी। अरे गड़बड़ हो गया क्या? हो रहा पानी पीछे। ये दाल केक कैसे बन गई? मसूर है ना, ये मसूर बहुत पानी खींचता है, ये पानी का अंदाजा नहीं हो जिस हिसाब से बिना नापे जोखे दाल दिया है। पानी तो नाप के डालना एकदम। तो जी दाल तो बन के तैयार हो गई, तड़का लग गया और दाल में से आलू निकाल लिए गए, अब उनका कचूमर बन रहा है। अरे क्या खुशबू आई है, सरसों का तेल डालती हैं। ये कम तो नहीं पड़ेगा ना चोखा? हाँ चोखा तो ठीक है, हो जाएगा। तो मैं हिस्सा भी लगा के रख दूँ। इसी हिस्सा बना दूंगी। हाँ। कितना इतना ही खाना है? थोड़ा चम्मच से निशान लगा दूंगी। हेलो, अरे मुझे आने क्यों नहीं दे रहे तुम? अरे यार जल्दी आ जाओ घर पे, कहाँ टाइम पास कर रही हो तुम? नहीं नहीं यार, तुम इतना क्यों घूमती फिरती हो, आओ जल्दी आओ घर पे। हाँ? हम लोग वेट कर रहे हैं सब। आप तुमने मेरे को फोन करके बोला अविनाश? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब मैं कॉफी पी के आऊंगी। कितनी देर में? कॉफी तो मेरी बन रही है। अरे लेके आ जाओ कॉफी यार, इधर गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। अच्छा बाय। अच्छा उसको अपने हिसाब से पहले बोल रहे हैं कि खाने में लेट है तो घूम के आए, और अब खाना बन गया तो उसको बोल रहे जल्दी आए। दाल की दही बन जाएगी। हो गया अपना, डन है? हाँ डन है। चोखा तो बन चुका है, अब यहाँ पे बन रहे हैं चावल। हम लोग भी निकल रहे हैं किचन से बाहर, कोई भी सबूत मत छोड़ना मम्मी, ठीक है? सारे सबूत मिटा देना, बहुरी आ रही है, छुप जाते हैं। चलो आप उधर चद्दर उड़ के सो जाओ, मैं बाथरूम में चला जाता हूँ, हमें नहीं पता खाना किसने बनाया। अरे इस मुश्किल घड़ी में आपके पति भी साथ छोड़ के भाग गए हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं, झांक नहीं रहे हैं। हाँ एक बात पूछनी नहीं आई मम्मी, कोई मदद चाहिए, मैं कुछ करूँ? तो वीडियो भी बना लेता हूँ तो वो भी नहीं करेंगे। वो भी नहीं पता उनको। क्या हुआ? अरे आपकी वाइफ यहाँ समस्याओं से जूझ रही है, आप एक बार पूछने भी नहीं आए कि खाना? ये तो मास्टर है, यहाँ कल नहीं चल रहा है। यहाँ मास्टर थोड़ा हिला हुआ है क्योंकि पता नहीं प्याज का है, धनिया का है, मिर्ची का है, पाउडर का है, पता नहीं होगी ना, टेरिटरी इनकी नहीं है ना, ये टेरिटरी में ट्रेसपास किया हुआ। पहली बार मैं यहाँ आई हूँ किचन में, अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतने दिन पता भी नहीं था यहाँ कहाँ नमक है कहाँ मिर्ची है, खाना पता था, खाना खाली बन रहा है खा रही हूँ। आज नमक दाल चावल का रेट पता चला। ओके कितना बन गया? टमाटर नहीं डाला क्या इसमें? नहीं। अच्छा डाल लूं। अब क्या डालोगे? पापा से थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा के देखना है क्या कैसा बना है। फटाफट करवा लो। चटपटा तीखा नहीं हुआ, पता नहीं कूट के डालती तो होता।
काट के डाली ना। ठीक तो है। एक बात बताऊं। क्या? टमाटर भूल गई। अभी डाल दो बात फसाने का है। अमिता जल्दी आ बेटा, इधर गड़बड़ हो गई है। टमाटर डाल दो ना फटाफट, डालो, डाल सकते हैं ना बाद में। देखो मुझे तो कुकिंग आती नहीं। मैं सोच रही हूँ इसमें क्या कम लग रहा है, टमाटर का ध्यान ही नहीं कर रहा। तो मैं तो पहली बार बोल दिया, देखते ही बोल दिया टमाटर नहीं डाला इसमें, खट्टापन नहीं आया। जबकि मैं कभी नहीं किचन में रहता हूँ। पर आपको कह रही है उतने पर झांकने भी नहीं आए, पहले आप आ जाते तो ये बच जाती ना गलती। तो फिर इसमें भी वो नहीं करना पड़ेगा ना, फिर डायरेक्ट मिला सकते ना उसके बाद। नहीं, मैश तो करना, मैश करके अलग से आलू उसमें ला दूं। बताती भी है लोगों को, अगर कोई कहे चोखा कैसे बनता है तो पता है कैसे बताएंगे? ये पहले मसल दो उसको। अच्छा। ये नहीं कहे पहले आलू उबालो फिर छील लो उसको, फिर टमाटर डालो, मिर्ची डालो, ये डालो वो डालो, पहले मसलने का बताएं, मतलब सिस्टम नहीं है कोई। अच्छा। इसी तरह तो भूल गई वो टमाटर। बीपी की दवाई तो नहीं भूली हो ना? वो भी आज भूल गई। अरे आज कुकिंग के चक्कर में सब भूल गई है। दवा खा लो, दवा खा लो। अरे आज नहीं पापा, ये तो परफॉर्मेंस प्रेशर है। वैसे तो बहुत अच्छा बना, नहीं दूसरा थोड़ा, और वैसे तो बहुत अच्छा बनाती है, परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया है। गर्मी भी है ना, कैमरा कॉन्शियस हो गई है। हाँ वही बात है, उसी से मैं घबरा गई हूँ कि मैं बनाऊँ ये रिकॉर्ड करेगा तो मैं कैसे बनाऊँ। टमाटर भी सीधा नहीं हो पा रहा आज। अरे भाई पतो ही ना है तभी टमाटर डाल देंगे हम। पतो निकल चुकी है वहाँ से कॉफी लेके, पड़ जाएगा। मिता तू भी दीदी के साथ पूरा रहती है, मम्मी का साथ छोड़ दिया, ढूंढ रहे तेरे को बार बार। तो इसमें टमाटर डालना तो थोड़ा सा नमक डाल देना। हाँ नमक डाल भाई, वो बड़ी मास्टर है भाई, मानना पड़ेगा। नहीं नहीं तो आप खड़ा रहता, अरे आप कम मास्टर हो। नहीं नहीं वो बनाती है और कैमरा भी साथ। एक तो इनका दिल हौल हो रहा है ना, सुबह अचानक से बम फूट गया ना ये, और बीपी की दवा भी नहीं खाई। मम्मी पहले बीपी की दवा खा लो, कूटो मत ज्यादा। नहीं कूट के ही अच्छा लगेगा ना। अब आके आप ज्ञान दे रहे हो, जब से वो अकेले यहाँ खट रहे हैं ज्ञान की, बाकी और ना कुछ। आप पहले एक बार झांक के चले जाते तो उनको भी थोड़ा वो मिल जाता ना। दाल में नमक वगैरह डाले या नहीं डाले? नहीं नमक मत डाली, दाल चखना पड़ेगा एक बार, इसमें नमक है कि नहीं है। दाल चखा दो पापा को, चखा दो, पापा बेहतर बता रहे हैं, मैं तो वैसे ही ढटे नमक कम होगा, डाल सकते क्योंकि एक तो अरहर की दाल है ना, थोड़ा मीठापन होता है। सब एक से एक, बनाने वाले को पता नहीं क्या बना रहे हैं, खाने वाले को पता नहीं क्या खा रहे हैं, सब यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं। भाई इसी में नहीं मिला सकते मम्मी? मिला सकते हैं, ऊपर से चार धनिया काट के डाल दूंगी। और कहाँ गई अंतर? ऐसे चक्कू से काट के छोटा छोटा ऐसे मिक्स कर लूंगी, नमक भी थोड़ा सा डाल दूंगी। अच्छा पापा को बुला लिया, इन्हें चुने तीन चीज बनाई हूँ, उसमें भी इतना भूख। सोच समझ के डाल रही हो ना नमक, क्योंकि मुझे कोई अंदाजा नहीं है, पता चला अब टेंशन में ज्यादा डाल दिया, पहले डाला ही नहीं था। ज्यादा नहीं होगा, टमाटर पड़ेगा ना, तो जब टमाटर ही नहीं डाली तो अब बढ़ेगा कैसे? और वो लहसुन डाल दिया? हाँ अब आएगा मजा। अगर इसको पता चलेगा कि उसके पीठ पीछे माँ बाप और बेटे ने क्या किया है, कितना खोआ कूटे है, तब जाके बना है दाल चावल चोखा। वहाँ दो मिनट नहीं लगता है सब बनाने में मेरे को, क्या हो गया है, कंफ्यूज हो गई हूँ एकदम यहाँ। घर के ही लोग हैं फिर भी घबरा रही हूँ पता नहीं क्यों। कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है ना पहली बार, इसलिए ना अब सब ढक देती हूँ। चलो ढको और छुप जाओ सब। आने वाली मम्मी अब ज्यादा ना घबराओ, कहेंगे दाल चावल चोखा पे इतना इतना आए हैं। आ गई क्या? आइए आपका इंतजार था, आइए। तुमने मेरे को इसने जिम में दो बार मेरे को बोला पहले आना मत, जल्दी पता है लोगों को सब पता है क्या हो रहा है, ये अच्छा पहना मम्मी आपने, बढ़िया लग रहा है। इसके पहनने के पीछे भी कारण था क्या? षड्यंत्र हो रहा है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। बाबा मैं कह रहा हूँ खाना बना दो, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ भाई आई मेरे को बनाती हूँ, क्या खाना है मम्मी? कुछ भी बना दो यार। अरे कुछ भी बना दो, रुको ना। 12:56 हो रहा है अभी। अच्छा तो बनाना तो पड़ेगा। हाँ तो एक घंटा में बन जाएगा। नाश्ता कुछ किए हो? नाश्ता पकौड़े और बड़ा पाव खाए थे ना। तो खाना वाना क्या करना है? दाल चावल कुछ भी बना लो, दाल चावल चोखा टाइप कुछ बना दो। हंस क्यों रहे हो, क्या हो रहा है ये? तुम भी हंस रहे हो। सब्जियाँ मंगाई गई है? हाँ सब्जियाँ मंगाई गई है। कुछ बाहर से मंगाएंगे? नहीं तो छ
चावल बनाए हुए तो अभी से क्यों बना के तूने अमिताभ बना के क्यों रख दिया चोखा बनाया है जैसे ये तो अमिताभ नहीं बना सकती ये आपने बनाया है क्या मम्मी ये हंस रहे हो यही तो प्लान ये आप बनाए हो मैंने बनाया है इतना पसीना पसीना हो गई हूँ मैं मार लथपद हो गई हूँ इतना घबरा रही हूँ कैमरे के आगे क्यों मेरे से हो नहीं रहा है आधा भूल आप बना क्यों रही थी मैं सोची आज कुछ अपने हाथ से बना के आपको खिला दूं लेकिन दोनों आप बनाई हो सरप्राइज दिया गया है बहू को तभी तो जल्दी बुला रहे हैं जमती जा रही है मेरी दाल पहले हमने बोला कि उसको लेट बुलाओ खाना नहीं बन रहा अच्छा। अब फिर बन गया जल्दी से अच्छा अब वो कह रही मेरी दाल जम रही है उसको जल्दी बुलाओ अरे भाई ये तो चोखा तो अब खाना पड़ेगा अच्छा क्या बनाई हो मम्मी बेटा आप जितना सरसों का तेल आप जितना नहीं मेरे को आता मैं तो ये आज ही देखी हूँ मम्मी हद कर दी आपने आप बघार कैसे लेके आती हूँ देख के ही अच्छा लगता है अब मेरा तो कुछ कलर वलर उतना नहीं है नहीं मम्मी एकदम बहुत ये तो आउटस्टैंडिंग है दाल तो मैंने खाई नहीं आप उस दिन कह रही थी ना दाल भात चोखा तो मैं बोली चलो अभी लगा लो खाना चलो अभी क्या अभी खाएंगे मम्मी ने क्यों बनाया क्यों है बनवाया मम्मी ने बोला कि उसको चोखा बहुत पसंद है आसान भी है मेरे लिए और फिर मुझे पता चला कि इस बीच में एक दिन भी दिन चोखा बना नहीं है खाली बातें हुई है चोखे की ये तो वो वाला चोखा बना दिया आपने पूरा इसके साथ तो मतलब मिट्टी बन जाए ना हाँ तुमने करवाया क्या मम्मी नहीं, को नहीं, नहीं, नहीं मैंने सिर्फ आइडिया दिया तो मम्मी ने बोला क्या बनाऊं चलो दाल चावल चोखा बनाते दिन आप कह रही थी ना चोखा लेकिन मैं इतना घबरा गई हूँ कैमरे के आगे मेरे सब चीज भूलता ही जा रहा है कैमरे के सामने होता है कैमरे के सामने ही होता है नहीं होता आपसे नहीं आने नहीं होता आदत पड़ गई ना बहुत दिनों से और इनका सबसे बड़ा दुख ये भी कि इसमें पापा का करने कोई सहयोग नहीं पापा ने नहीं किया सहयोग पापा क्यों किए आप ऐसे मैंने जो सहयोग किया है ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मैंने जो सहयोग किया है ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अरे क्या किया है यार फिर इसका मजा किरकिरा हो जाएगा अपना कर रखा था ये सारा मैंने वो तो ठीक करवाया अरे आज मम्मी तो बिल्कुल ही हुई है एकदम सिकती हुई है मम्मी लिया गई हूँ मैं कि मैं क्या करूँ ना करूँ तो वहाँ पे दिल्ली में तो रोज खाना बनाती हूँ मैं तो होटल ही बनाती हूँ अपने घर का अंदाजा रहता है ना अरे आज तो कुछ हुआ है भाई आज मम्मी के मुंह पे एक डर है इतना बढ़िया मम्मी चोखा तो कितना टेस्टी बना मम्मी कैसी बात कर रही हूँ आपसे अगर अच्छा नहीं बना तो फिर कौन है जिससे अच्छा बनेगा घर में अच्छा बन जाता है नहीं लेकिन आपका हाथ चलता है आप इतना फटाफट हाथ चलाते हो कुछ भूलते नहीं हो मैं चार चीजें भूल जाती हूँ नहीं मम्मी नहीं। इतना तो बढ़िया बनाया नहीं, नहीं। और घर घर का ताजा होता है ना जो बना बनाता सजा कर लाते हो सब मेरे से नहीं होगा सजाते सजाते भी गायब हो गए सजावट सजाते सजाते भी सजावट सारा कहाँ दुबक गया कुछ पता ही नहीं पूरा भेद खुल गया है संभावना को पूरी कहानी मम्मी ने समझा दी है बेटा क्या क्या हो पीछे नहीं ये इतनी सी मदद करके वो जिंदगी भर क्या याद करने वाली चीज है टमाटर याद दिलाए हैं कि टमाटर डाल दो मतलब जिंदगी भर तो टमाटर याद दिला दे तो उसको क्या आसान लेना है यहाँ एक तरह से ना एग्जाम हो रहा है माना जाए एग्जाम तो आप लोगों ने अपने आप बना लिया है हमने खुद अपना एग्जाम करने को किसने बोला था आपको पहले बताओ एग्जाम हमने अपने आप ही किया है ये सारा करने के बाद मुझे पहले सरप्राइज दिया गया है आइए 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 जरा चखिए इसको मैं तो देख रहा हूँ मैंने कहा इसमें तो टमाटर ही नहीं किया चखूं इसको मैं घबरा गई हूँ तो बाद में टमाटर डाला टमाटर तो डाला हुआ है हाँ, तो डालेंगे और तब तक तुम भी निकल चुकी थी अच्छा जल्दी जल्दी टमाटर मैं कहूँ ये क्या हो रहा है ये बीच बीच में इनको भी डरा रहा था अरे ये जल्दी आ जाएगी अभी आ जाएगी खराब हो अविनाश चलो जी आज सास ने बहू को सर्व कर दिया है हाथ से ही खैबू ये मैं आपको बता दूं एक बात माँ का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता मम्मी ये तो बात नहीं है ऐसा तो नहीं है ऐसा नहीं है बेटा माँ थोड़ी उम्र वाली हो गई घबरा जाती है नहीं बहुत बढ़िया मैं क्या बताऊं मम्मी मैं जो चोखा कटी हूँ ना दूसरे के हाथ का तो थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा अच्छा नहीं मम्मी बहुत अच्छा लगा सही बताऊं तो आपका आपका हाथ एकदम अलग है वही कर रही हूं ना मजा आ रहा है ना खा के देसी हाथ है बहुत ही पापा भी खाओगे आपको मालूम पड़ेगा मैं समझ रहा हूं मैं तो रोज ही खाता हूं मैं भी जरा टेस्ट करूं खिलाऊं क्या
अरे मम्मी ऐसा लग रहा है गांव पहुंच गया, ऐसा लग रहा है गोरखपुर में चूल्हे का बना हुआ खाना जिसपे चावल बना है अभी अभी। वाह, तुमने एकदम सही बोला है ना, ऐसा लगा मैं गोरखपुर पहुंच गई हूँ। ऐसा लगा कि गोरखपुर वाले मिट्टी के घर में बैठ के बढ़िया वाला एकदम ओरिजिनल दाल चावल चोखा खा रहे हैं। वही स्वाद में बोल रहे तुम्हें, आप खुद बताइए आपको कैसा लगा चोखा? सच में दाल से भी चटक चोखा है। अमिता तू भी टेस्ट करना। तो जी इसी के साथ आज का जो व्लॉग है मैं इसमें हंस के पागल हो गया हूँ। अब आप लोग को मिलेंगे जी कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। मेरी प्लेट वहाँ रखी हुई है, सिर्फ ब्लॉग खत्म करने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि मैं फटाफट जाऊँ और खा सकूँ।